हेलो गाइस, टेस्टी वेजी खाना के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने पत्ता गोभी की एक बहुत नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मैंने ये देखिए, ये पत्ता गोभी बारीक बारीक कट कर लिया है और एक शिमला मिर्च कट कर लिया है इसके ऊपर। और ये लगभग 200 ग्राम पत्ता गोभी है जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी ब्रोकली भी डालूंगी। तो ये देखिए, ब्रोकली बारीक बारीक कट करके मैंने पानी में डाल दी है। तो बेसिकली आज हम पत्ता गोभी की शिमला और ब्रोकली मिक्स सब्जी बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच तेल ले लिया है पैन में, जो कि गर्म हो गया है। इसमें अब आप देखिए, ये लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने राई डाली है, आधा चम्मच के करीब मैंने जीरे डाले हैं, और ये थोड़ी सी हींग, ये लगभग 1/4 चम्मच के करीब हींग है। अब इसमें जो हमने ये सब्जी काट के रखी थी वो हम डाल देंगे। तो देखिए गाइस, इसमें मैंने जो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ब्रोकली थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले के लिए ये लगभग आधा चम्मच के करीब और 1/4 चम्मच के करीब और हल्दी डाल दी मैंने, और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लीजिए, मैंने आधा चम्मच डाला है। और अगर आपको प्लेन सॉल्ट यूज़ करना है तो आप प्लेन नमक भी डाल सकते हैं। और ये आधा चम्मच के करीब सौंफ, और ये लगभग 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अभी इन सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि ये जो मसाला है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे और इसको थोड़ी देर बाद हम वापस से चला के देखेंगे। तो देखिए गाइस, कुछ मिनटों बाद, लगभग 3 से 4 मिनटों बाद मैं एक बार इसको चला के देख लेती हूँ। और आपको अगर चेक करना है कि भाई ये सब्जी हुई है कि नहीं हुई, तो आप ये जैसे ये ब्रोकली है, ब्रोकली को इस तरीके से दबा के देख लीजिए, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को इस तरीके से दबा के देख लीजिए। और जो पत्ता गोभी का कलर है वो भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का सा हो जाएगा, तब इसका मतलब ये सब्जी हो गई है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये पत्ता गोभी का कलर कुछ ज़्यादा वाइट है, तो हम थोड़ी सी देर इसको और पकाएंगे। तो मैं वापस से लिड ढक दूंगी और फिर दो तीन मिनट बाद हम वापस से इसको चेक करेंगे। देखिए गाइस, अब ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, वापस से अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये आपको देखकर ही कलर समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बिल्कुल चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट टाइप की सी हो गई है पत्ता गोभी। और ये बाकी सब्जियां भी मैंने ये दबा कर देखी हैं तो ये अच्छे से हो गई हैं। इसका मतलब हमारी ये सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। तो अब इसे रोटी, पराठे, राइस, खिचड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं ये गैस बंद कर देती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक पर क्लिक करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप प्लीज़ डिसलाइक पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।